हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल फायर इन इंडिया में, जहां हम मिलकर तैयारी करते हैं फिनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने की और अर्ली रिटायरमेंट की। इसी सीरीज़ में मैंने अपना एक लेटेस्ट वीडियो सीरीज़ अभी चालू करा है, जो है ऑप्शंस ट्रेडिंग पे, कुछ महीनों से चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपने वो देखा होगा, समझा होगा। तो कुछ फॉलोअर्स ने देखा, उनमें से एक फॉलोअर डॉक्टर सरबजीत सिंह ने मुझे लेटर भेजे, ईमेल भेजे कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो मैंने सोचा कि उनको इंडिविजुअली आंसर करने की जगह क्यों ना मैं एक वीडियो उस पर बनाऊं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस उनने पूछे हैं काफ़ी जेनेरिक हैं और हो सकता है आप लोगों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद हो। तो उन्होंने भेजे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन मैंने वो ही पिक किए हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग, पैसों के पेड़ से रिलेटेड हैं। तो आज मैं उन्हीं का जवाब देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए आइए देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। तो ये एक स्क्रीनशॉट है सारे क्वेश्चंस का, उन्होंने मुझे इंग्लिश में भेजे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब इंग्लिश समझते हैं। तो मैंने कोई करेक्शंस नहीं किए हैं उनके क्वेश्चंस में, जैसे उन्होंने भेजे वैसे ही मैंने लिख दिया, लेकिन मेरे आंसर्स इंग्लिश में हैं, टाइप्ड आंसर्स, और जो मैं बोलने वाला हूँ वीडियो में वो हिंदी में होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। तो उनका पहला क्वेश्चन है कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे 12,000 पे था 12 अक्टूबर को, क्या वो राइट टाइम है निफ्टी 20 में शुरू करने का एज़ पर गुरुजीज रिकमेंडेशन? उन्हें डर है कि अगर मार्केट गिर गया से 9,000 तक तो उन्हें बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, तो ऐसे में क्या उन्हें स्टार्ट करना चाहिए या मार्केट के नीचे आने का वेट करना चाहिए? तो एक चार्ट को देखते हैं कि क्या हुआ है रिसेंटली मार्केट में, और मैंने 12 अक्टूबर पे पिन लगाया है। तो आप देखेंगे कि 12 अक्टूबर को मार्केट ऑफकोर्स 12,000 के पार गया था, जो कि ऑलमोस्ट टॉप में था, उससे थोड़ा और ऊपर गया थोड़े दिनों बाद, लेकिन फिर नीचे आया यहाँ पे 11,750 के करीब है अभी। तो आपको क्या करना चाहिए? तो महेश चंद्र कौशिक जी की किताब ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसों का पेड़ कैसे लगाएं, चैप्टर नंबर 9, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा कि उन्होंने रेकमेंड किया था अगर आप सिप वाइज शुरू करें, मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आप चाहे तो उसे वीकली कर सकते हैं, चाहे तो उसे मंथली कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा शुरुआत करिए वीकली से, और एक दिन चूज़ कर लीजिए कि किस पर्टिकुलर दिन आप इन्वेस्ट करेंगे। उस दिन जितना भी मार्केट हो निफ्टी 20 खरीद लीजिए, अपना एक अमाउंट डिसाइड कर लीजिए कि मैं हर हफ्ते इतना अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा, से 5,000 और 6,000, अगर मंथली करने वाले हैं तो 20,000, 25,000, जो भी आपके इन्वेस्टमेंट रेंज में आता है। इस तरह से आप जब मार्केट टॉप में होगा तो भी आप खरीद पाएंगे, और जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा तो आप एवरेज आउट करते जाएंगे, आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगी कम प्राइस पे, और जब फिर से मार्केट ऊपर बढ़ने लगेगा उनके मेथड के हिसाब से आप बेच सकते हैं, जैसे जैसे कि आपको 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होता रहे। और एक दिन आएगा जब आपके पास इतने यूनिट्स हो जाएंगे कि आप अपना ऑप्शन कॉल राइटिंग भी शुरू कर सकते हैं। तो मेन चीज़ है कि आप मार्केट के नीचे आने का वेट मत कीजिए, क्योंकि टाइमिंग करना मार्केट को बहुत डिफ़िकल्ट है, एक आसान काम नहीं है। सो वो बेस्ट स्ट्रैटेजी बिल्कुल नहीं है, आप जब चाहें तब स्टार्ट करें, बट सिप मेथड में स्टार्ट करें। अगला क्वेश्चन है, पैसों के पेड़ कैसे लगाएं वाले मेथड से, इफ़ आई एम सेलिंग CE ऑफ 3% अपसाइड स्ट्राइक प्राइस, देन आई एम गेटिंग अराउंड 15 to 20 points ओनली, इट मीन्स अराउंड 1,500 रुपीज़ पर वीक और अराउंड 6,000 पर मंथ। क्या होना चाहिए स्ट्राइक प्राइस, वीक से हमको कितने पॉइंट्स लेने चाहिए, कितना प्रॉफिट होना चाहिए वीक का एंड मंथ का? सो मुझे नहीं पता आपने किस हिसाब से 15 और 20 points, आई एम अज्यूमिंग कि ये 15-20 points आप प्रीमियम को रेफ़र कर रहे हैं। मैंने जितने भी कॉल्स राइट किए हैं, मैं उसका चार्ट फिर से यहाँ डालता हूँ, एक एक्स्ट्रा कॉलम मैंने बीच में ऐड कर दिया है, डेज टू एक्सपायरी। सो जिस दिन मैंने राइट किया, जो कि ट्रेड डेट है, और जिस दिन मैंने एक्सपायरी चूज़ करी, उसके बीच में कितने दिन का गैप था, तो आप देखेंगे कि अराउंड 2 week का गैप था। तो मुझे प्रीमियम आराम से 83, 71, 52, 47, सो 15 और 20 points अगर आप बात करें 3% की, तो मेरा 3% से लेस ही रहा है, सबको देखें इसको छोड़ के। तो वो पॉइंट शायद आपको दोबारा देखना पड़ेगा, शायद आप समझ नहीं पा रहे स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस का डिफरेंस। तो आप आराम से 2 week का या फिर 1 week का लास्ट में आप अगर देखें, बैंक निफ्टी में मैंने 1 week के कॉल्स राइट करे हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन पूरी जानकारी के लिए और भी फैक्ट्स हैं, क्योंकि कई सारी चीज़ें ड्राइव करती हैं, मार्केट डाउन है तो क्या करना है, उसके लिए आप मेरा वीडियो जो मैंने आज पोस्ट किया है 18 अक्टूबर को,
वो ज़रूर देखें, और इससे पहले वाला जिसका ये फॉलो अप वीडियो है आज पोस्टेड वो भी देखें। अगला सवाल है, डू वी गेट डिविडेंड इन निफ्टी बीज और कोटेक निफ्टी और CPS ETF? बेसिकली वो जानना चाहते हैं कि ETF में हमें डिविडेंड मिलता है कि नहीं, क्योंकि इन ETF में टॉप निफ्टी कंपनीज होती हैं जो डिविडेंड्स देती हैं, उसी से कंप्राइज होता है ये निफ्टी बीज और बाकी ETFs, तो क्या वो डिविडेंड हमको मिलता है? तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने फ्रैंकली आज तक सोचा भी नहीं था डिविडेंड के बारे में जब मैंने इस पैसों के पेड़ के लिए शुरुआत करी, और श्री महेश कौशिक जी की किताब में भी कोई मेंशन नहीं है डिविडेंड का, तो मेरे दिमाग में आया भी नहीं है ख्याल। लेकिन आज ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैंने सोचा बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, तो चलो रिसर्च करते हैं। तो मेरी रिसर्च से मुझे पता चला कि निफ्टी बीज कोई डिविडेंड नहीं देता है। मैंने निप्पॉन इंडिया MF.com वेबसाइट पे भी चेक किया, जहाँ पे ये निफ्टी बीज जो ये सेल करते हैं निफ्टी बीज डिविडेंड मिलते हैं, लेकिन वो आपके NAV में ही मर्ज हो जाते हैं अगर डिविडेंड मिलते भी हैं तो आप डिटेल में ये जानकारी देख सकते हैं, जस्ट चाहिए निफ्टी बीज की इस वेबसाइट पे, और आप पढ़ लीजिए इसके बारे में। तो कंक्लूजन ये है कि हमें डिविडेंड्स कैश फॉर्म में नहीं मिलते हैं जैसे कि बाकी शेयर्स के साथ मिलते हैं। उनका अगला क्वेश्चन है कि वो पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं और उन्होंने कुछ डेटा यहाँ पे मेंशन किए हैं कि इस प्राइस पे इस इतना था निफ्टी, तो क्या उनका ये मेथड सही है, क्या उन्होंने सही स्ट्राइक प्राइस चूज़ किया है? तो सबसे पहली बेसिक बात, मुझे इस पॉइंट में ये नहीं पता चल रही कि आपने निफ्टी बीज के यूनिट कब और कितने ख़रीदे, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि आप प्रॉफिट में कब जाएंगे, मार्केट कितना डाउन या कितना अप होने में आपका कितना प्रॉफिट वेरी करेगा, उसके हिसाब से आपको वो राइट करने होते हैं कॉल। और 1.9% अपसाइड कॉल, मैं कहूँगा 2.5-3% इज़ अ सेफ बेट, इतना परसेंट लेके आपको चलना पड़ेगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, प्लीज़ मेरा आज का वीडियो जो मैंने 18 अक्टूबर को पोस्ट किया है, उस वीडियो का टाइटल है फॉलो अप ऑन महेश कौशिक्स पैसों का पेड स्ट्रैटेजी, उसको देखिए, मैंने इसको और डिटेल में बताया है कि मैं कैसे चूज़ करता हूँ स्ट्राइक प्राइस, मेरी क्या स्ट्रैटेजी होती है। और उनका एक और क्वेश्चन है कि गुरुजी ने कहा था कि अराउंड 5 ETF में इन्वेस्ट करें ताकि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाए, क्या ये ETF बंद हो सकते हैं, क्या हमारा पैसा डूब जाएगा? तो दोस्तों, पैसों के पेड़ में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप निफ्टी बीज या फिर बैंक बीज ही चूज़ कीजिए, क्योंकि ये डायरेक्टली बेस्ड है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के इंडेक्स पे। तो अगर आपका निफ्टी 50 का प्राइस ऊपर जाएगा, निफ्टी 20 का भी जाएगा, सिमिलरली बैंक निफ्टी का प्राइस ऊपर जाएगा तो बैंक 20 का भी जाएगा, तो आप कवर्ड कॉल आराम से राइट कर सकते हैं और अपने कॉल्स को कवर कर सकते हैं। वर्सेस अगर आप कोई और ETF लेंगे जो कि प्योरली निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी पे बेस्ड नहीं है, तो आपके परसेंटेज इधर उधर हो सकते हैं और आपकी कॉल प्रॉपरली कवर नहीं होगी। तो इन दोनों में ही इन्वेस्ट कीजिए। बाकी ये सेफ हैं कि नहीं, वेल, ETFs आर ऑल्सो रिस्की, एवरीथिंग इन शेयर मार्केट इज़ रिस्की, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम शेयर मार्केट में ट्रेड ना करें, रिस्क से ही रिटर्न्स आते हैं, बट ये कैलकुलेटेड रिस्क है, ऐसे नहीं कि हम रैंडमली किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके रिस्क ले रहे हैं। तो रिस्क तो है, लेना पड़ेगा, बट ये बहुत कैलकुलेटेड रिस्क हैं, तो ये काफ़ी सेफ हैं। बाकी भी कई सारे क्वेश्चंस उन्होंने पोस्ट किए थे लेकिन वो ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं थे, इसलिए मैंने उन्हें इस वीडियो में शामिल नहीं किया। तो दोस्तों, अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट हियर, और ईमेल करिए मुझे christian.valera@gmail.com पे, और मुझे खुशी होगी आपके क्वेश्चंस आंसर करने में। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।